नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर तमाम तैयारियां चल रही है, तो समाजवादी पार्टी जो है वो अब फजाल अंसारी को टिकट दे दी है। और फजाल अंसारी को टिकट दे दी है तो अब जो खबर निकल कर सामने आ रही है कि वो ये है कि अखिलेश यादव जो है वो अफजल अंसारी का पत्ता काट सकते हैं, यानी कि टिकट काट सकते हैं। और वजह यह है, गैंगस्टर के मामले में 4 साल की जो सजा हुई थी उसको बढ़ाने के लिए कृष्णानंद राय के परिवार के लोगों ने अर्जी दाखिल कर दिया था और इसको लेकर डेट पर तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख जो है वो आ रहा है। अब जो है मई महीने में कोर्ट ने फैसले को आगे बढ़ा दिया है और मई महीने में जो है इस मामले पर सुनवाई करेगा। अब इसमें कानूनी पचड़ा ये फंस गया है कि अगर अफजल अंसारी चुनावी मैदान में उतरते हैं, नॉमिनेशन फाइल करते हैं और क्या पता कोर्ट जो है फैसला उनके पक्ष में ना सुनाए, तो फिर वो सीट जो है वो फंस सकती है। और इसी को लेकर माना जा रहा है कि अखिलेश यादव जो हैं वो इस सीट पर खेला कर सकते हैं और अफजल अंसारी का पत्ता काट सकते हैं। जब अफजल अंसारी का पत्ता काटेंगे तो भाई कौन चुनावी मैदान में होगा? क्या इनकी बेटी या इनकी पत्नी या फिर उमर अंसारी की भी चर्चा हो रही है? उमर अंसारी की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, उनके बड़े भाई अब्बास अंसारी समाजवादी पार्टी और सुभाषपा के टिकट पर विधायक बने थे, तो समाजवादी पार्टी के ही विधायक हैं, वो भी जेल में बंद हैं। और बड़ी बात यह है कि मुख्तार अंसारी का हार्ट अटैक से बांदा जेल में निधन भी हो गया। और निधन होने के बाद जो वहाँ पर एक सद्भावना वाला वोट होता है, जो एक किसी के मरने के बाद जो वोट होते हैं, वो कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी के पक्ष में जाने का जो जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। तो अब देखना दिलचस्प होगा। और इसी बातों को लेकर माना जा रहा है कि उमर अंसारी जो है वो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। अब अफजल अंसारी के परिवार से ही कोई सदस्य जो है वो चुनावी मैदान में उतरेगा। किसी और कैंडिडेट को अगर उतारा जाता है तो शायद वहाँ पर जो मुस्लिम वोटर हैं, जो मुख्तार अंसारी के समर्थक हैं, जो उनके चाहने वाले लोग हैं, अफजल अंसारी को चाहने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं गुस्से में आ सकते हैं। इसलिए खबर निकलकर जो सामने आ रही है वो ये है कि अफजल अंसारी अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो उनकी पत्नी, बेटी या फिर उमर अंसारी को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। बाकी आपको क्या लगता है इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।